नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 जून, दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मांझी का बड़ा बयान, तेजस्वी को लॉलीपॉप दिखाएंगे नीतीश। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की बताई हैसियत। बीजेपी नेता ने बताया महागठबंधन के नेताओं में है बेचैनी। नीतीश कैबिनेट में शामिल नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा ने मांझी को लेकर कही ये बात। 4 वर्षीय CBCS ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। मांझी का बड़ा बयान, तेजस्वी को लॉलीपॉप दिखाएंगे नीतीश। बीते दिनों नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी पर आरोप लगाए थे कि वे महागठबंधन में रहने के बावजूद बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे। अब इसे लेकर जीतनराम मांझी का पलटवार सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश के पास मेरे बीजेपी से मिलने का क्या प्रमाण है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश फिर से NDA में मिल जाएंगे और वह तेजस्वी को CM नहीं बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी यादव को बस लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। वही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन द्वारा यह बयान सामने आया कि 19 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली बैठक के बाद महागठबंधन की नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि राजभवन जाकर इसकी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। फिर 19 जून के बैठक के बाद मांझी और उनके बेटे संतोष दिल्ली जाएंगे। यहां आने के बाद वे भविष्य की राजनीति को लेकर कई दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी थर्ड फ्रंट बनने पर भी विचार करेगी। मिथुन और भागवत मांझी के रूप में मिला महागठबंधन को मांझी का जोड़। मांझी के महागठबंधन से हटने की खबरों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी के बेटे और उनके दामाद जदयू में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि इस पर जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज देश में असली लड़ाई इतिहास बचाने की है और इस लड़ाई का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को याद कर उनको सम्मान दिलाने के लिए भी कई निर्णायक प्रयास किए हैं। नीतीश कुमार के इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दशरथ मांझी के पुत्र भागवत मांझी और दामाद मिथुन मांझी ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं इस मौके पर मिथुन मांझी ने जीतनराम मांझी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीतनराम मांझी के द्वारा समाज को बेचने का काम किया जा रहा है। इसी से आहत होकर हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की बताई हैसियत। आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आने वाले चुनाव में हश्र बहुत खराब होने वाला है। वहीं सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान है, लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के लड़के ना होते तो जो उनकी विद्वता है और जीवन में अभी तक पराक्रम है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर, उसे क्या कोई न्यूज चैनल वाले अपने यहाँ नौकरी देंगे। 9वीं फेल आदमी का कौन नौकरी देगा, कोई बता दे मुझे। माले के दीपंकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य की 23 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक विपक्षी एकता को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। आगे उन्होंने छोटी पार्टियों को लेकर कहा कि छोटी पार्टियों को विलय के लिए कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। यह दबाव तो बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बना रही है। साथ ही मणिपुर और उत्तराखंड में हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हो रहा है। आगे उन्होंने महिला पहलवानों के मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए बृजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी नेता ने राजद विधायक के रामचरितमानस वाले बयान पर किया पलटवार। बिहार में राजद विधायक रितलाल यादव के रामचरितमानस वाले विवाद बयान को लेकर बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से आसुरी विचारधारा के लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं, देश समृद्धि और विकास की तरफ बढ़ रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अब ट्विटर खेलना बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे जनता के बीच जाने पर समझ में आएंगे। बीजेपी नेता ने बताया महागठबंधन के नेताओं में है बेचैनी। बीजेपी नेता और सांसद सुशील सिंह ने औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गया जिले के 8 प्रखंडों में स्थानीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अभी से ही चिंता सताने लगी है। यदि जीतने का विश्वास होता तो यह नहीं कहते कि लोकसभा चुनाव अभी होने वाला है। वे घबराए हुए हैं, इसलिए तो ऐसा कह रहे हैं कि इसी साल समय से पहले लोकसभा चुनाव होगा। आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोगों में बेचैनी है। नीतीश कुमार को तो खुद जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इसकी जानकारी नहीं है।
नीतीश कैबिनेट में शामिल नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदानी मांझी को लेकर कही ये बात। नीतीश कैबिनेट में संतोष मांझी की जगह लिए नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदानी जीता नाम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि मांझी परिवार मोह में बिक सकते हैं, लेकिन मुसहर भुइया समाज नहीं। यह समाज मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है और रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने सम्मान दिलाया, उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, उसी ने बार बार हमारे नेता नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। बता दें कि उन्होंने महादलितों के असली मसीहा नीतीश कुमार को बताया है। 4 वर्षीय CBCS ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। राजभवन और राज्य सरकार के बीच बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय CBCS ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर टकराव की स्थिति देखी जा रही है। इसे लेकर सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में UGC गाइडलाइन के अनुसार 4 साल के डिग्री कोर्स को सेमेस्टर सिस्टम के साथ लागू करने के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर की पहल में राज्य सरकार बेवजह अड़ंगेबाजी कर रही है। पप्पू यादव ने लालू नीतीश और कांग्रेस से की यह मांग। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में चल रहे विपक्षी एकता के महाजुटान को लेकर 23 जून को बैठक के बाद रैली निकलने वाली है, लेकिन इसे लेकर बिहार में मौजूद छोटे छोटे दलों को आमंत्रित नहीं किया गया है। आमंत्रण नहीं मिलने से छोटे दलों में थोड़ी निराशा देखी जा रही है। इसे लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी पार्टी है, लेकिन जो लोग छोटी दुकान कहकर छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें यह कहना है कि मेरी 2024 में 1 सीट पर लड़ू या 2 सीट पर लड़ू, लेकिन मेरी पार्टी कभी किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। आगे उन्होंने कहा कि भूमिका मैंने हमेशा निभाई है। वो लोग अलग अलग समय में NDA के साथ रहे, लेकिन मैंने 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई। मैं महागठबंधन के साथ हमेशा रहा हूं। आगे उन्होंने खुद को रंग बताया और कहा कि राजा तय करता है कि रंग की भूमिका क्या होगी। लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस को तय करना होगा कि पप्पू यादव की चुनाव में भूमिका क्या होगी। पप्पू यादव कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के बयान पर खड़े किए यह सवाल। अभी हाल में ही नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की आशंका जताई थी। अब इसे लेकर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री को है, लेकिन यह बात बिहार के CM नीतीश कुमार को कैसे पता चला। आगे उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता यह कह रहे हैं कि समय से पहले लोकसभा चुनाव होगा, इसका अर्थ यह है कि उनकी PM से बात हो रही है। ऐसे बयान देने वाले नेता को बताना चाहिए क्या PM से उनकी बात हो रही है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर कह दी ये बात। विपक्षी एकता की महाबैठक से पहले ही विपक्षी दलों के बीच के तकरार की झलक साफ देखने को मिल रही है। सभी विपक्षी दलों की सहमति से यह बैठक पटना में 23 जून को तय तो हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कब तक एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि विपक्षी दलों में कई ऐसे दल शामिल हैं जिनके तकरार कांग्रेस से देखने को मिलते हैं। बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी कुछ महीने पहले ही कहा था कि उनके लिए तो कांग्रेस और BJP पार्टी एक जैसी है। वहीं अब ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस हमसे सहयोग चाहती है और हम पर हमले भी करती है। हम BJP के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन CPI से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने ना आए। नेहरू स्मारक संग्रहालय का नाम बदले जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नया नामकरण किया है। दरअसल इसे बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। मालूम हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 3 मूर्ति भवन आधिकारिक आवास हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदले जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि नेहरू से इतनी नफरत है तो नेहरू खानदान से कितनी होगी। BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी एकजुटता को बताया टूटा फूटा गठबंधन। BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिन में सपना देखना कोई मना नहीं है, कुर्सी के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, जबकि बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को और राहुल गांधी नीतीश कुमार को नेता मानेंगे। कई लोग तो अभी से अलग होते चले जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह देश देवगौड़ा BP सिंह गुजराल आदि से बहुत आगे निकल आया है। यह देश आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने स्थायी बहुमत का आशीर्वाद दिया है। देश की जनता इस तरह का टूटा फूटा गठबंधन जिसकी एक कुर्सी हिली है दूसरी टांग हिली है ऐसा गठबंधन स्वीकार नहीं करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को नीली नरसंहार की दिलाई याद। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को 1983 के नीली नरसंहार की याद दिलाते हुए कहा कि राहुल गांधी को अमेरिका में अल्पसंख्यकों की याद आ रही है। क्या वह 1983 के नीली नरसंहार को भूल गए हैं? मालूम हो कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे भारत के कई मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे और सभा को संबोधित कर रहे। बता दें कि इस नरसंहार में मात्र कुछ समय के अंदर ही बड़ी संख्या में मुसलमानों की मौत के घाट उतार दिया गया था। अजीत पवार ने बताया नेहरू और इंदिरा के तरह ही मोदी का जलवा।
महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी साहब के काम की वजह से ही देश में बीजेपी आई है। मोदी जी के कारण ही कई राज्यों में बीजेपी है, जबकि वाजपेयी साहब के समय में ही उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के पास करिश्मा है, करिश्मा जैसे एक समय में इंदिरा जी के पास था, नेहरू का था, उसी तरह आज मोदी जी का जलवा है। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, पीयूष कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत में आपके अब तक के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है? आपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।